कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के लिपिक योगेश महाले के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारी सूर्यकांत करड़क को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार शासकीय जमीन पर टैक्स पावती बनाने के लिए करड़क ने शिकायतकर्ता से रुपए ले लिए थे, लेकिन टैक्स पावती का काम करड़क नहीं कर सका और वह सेवानिवृत्त हो गया। जब शिकायतकर्ता ने बार बार करड़क से पूछताछ की तो करड़क ने बताया कि वर्तमान लिपिक को 50,000 रुपए रिश्वत देने पड़ेंगे, तब टैक्स पावती उसके नाम पर होगी। शिकायतकर्ता ने इसके लिए अपनी सहमति बताई और जाकर एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दर्ज करा दी। परिणाम स्वरूप दोनों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।